अरे हाँ 50 रुपए में पतला हो गया। मेरे पास एक स्कीम है, चलो आ जाओ फटाफट। डीवीआईपी ब्लॉग्स। हे गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉगिंग चैनल। आई होप सब अच्छा चल रहा होगा, कुशल मंगल होगा। तो आइए अपना अगला व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अरे मैच सो फार सो गुड, अच्छे चल रहे हैं। अरे चिन्नू, एक जोक आया बड़ा मस्त, सुनाओ। सुनाओ। पक्का? श्योर। देखो, बीवी बनाते समय भगवान ने कहा अच्छी और समझदार बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी, और फिर भगवान ने दुनिया गोल बना दी। सो फनी। तो गाइस, आप समझ ही गए होंगे, ये है स्किपिंग रोप रस्सा जो मात्र 50 रुपए का आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं पिछले 3 से 4 महीने से कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क इससे महसूस हुआ है। और ये इजी टू डू है, इनिशियली प्रॉब्लम होती है लेकिन धीरे धीरे ये बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, एंड नाउ आई एम लविंग इट। सब बहुत अच्छा है गाइस। पहले मैं बहुत ही मोटा था, और जब से स्किपिंग रोप मेरी ज़िंदगी में आया, मेरी लाइफ बदल गई। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्किपिंग रोप की इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन है, ये मुझे मेरे फ्रेंड शिरिल से मिली है, जो कि एक दिन में 4000 करता है। आई रिपीट, सिंगल डे में 4000 करता है। पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शिरिल की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जरूर देखें, विजिट करें। बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है उसने, कैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। और मेरे को सारी स्किपिंग की जो इंस्पिरेशन है वो शिरिल से ही मिली है। मैं फिर भी अब आई थिंक इन अ डे 1000 तक कर लेता हूँ। पहले मेरे से मुश्किल होती थी, नहीं होता था, बट अब मैं कर लेता हूँ 100 एग्जैक्टली कर लेता हूँ, और कंटिन्यूसली अगर मैं करूँ तो मैं 1000 कंप्लीट कर लेता हूँ। पहले थोड़ी मुश्किल होती थी स्टार्टिंग में, जब मैंने स्टार्ट किया था मैं 10 या 15 ही कर पाता था कंटिन्यूसली, लेकिन धीरे 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 जैसे मैंने स्टार्ट किया तो अब मैं कंटिन्यूसली 100 कर लेता हूँ, और कभी कभी मैं 150 भी कर लेता हूँ। और अगर कंटिन्यूसली मैं हाफ एन आवर 1 घंटे तक करूँ तो 1000 तक मैं कवर कर लेता हूँ, और जो कि बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा डंबल भी कर लेता हूँ, अगर आपका एडिशनल डंबल बढ़े हैं तो आप कर लीजिए। अगर आपके पास डंबल बढ़े होंगे तो आप एडिशनल कुछ डंबल भी कर सकते हो। मेरे पास डंबल नहीं थे तो मैंने, लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ के पास पड़े थे, तो मैंने उससे कहा यार तो मेरे को दे दे, मैंने उससे उठा लिए। गुड़गांव में नौकरी करने वाले बंदे हैं, कॉस्ट कटिंग का ख्याल तो हमेशा रखते हैं। वैसे मैं कोई इतना बड़ा फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ, पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता रहता हूँ डेली बेसिस पे, या कभी कभी ऑल्टरनेटिव डेज पे भी, ताकि बॉडी अपनी फिट रहे और अपने जो कपड़े पहन रहे हैं वो अच्छे लगने चाहिए। बस मेन मोटिव वही रहता है, मतलब वरना इतने ही कोई बड़ी फिटनेस फ्रीक वाली कोई हैबिट नहीं है मेरे अंदर। बस नॉर्मल अपना डेली एक्सरसाइज करो, खाओ पियो मौज लो। वैसे तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे एब्स बन जाए, बट बहुत मुश्किल है, बन नहीं पाते, क्योंकि मेरे घर में ना आलू के पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं, और बिल्कुल मम्मी भी ज़्यादा खिला देती है और बीवी भी, ऐसे में तो एब्स बनना बहुत मुश्किल है। एब्स बनाने बहुत मुश्किल काम है, डाइट का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। In here, I'm blinded
drowning me in. I can't see clearly anymore. I have no fear how this will end. No, nothing scares me anymore. If we never see tomorrow, babe. एक अच्छी एक्सरसाइज के बाद एक अच्छी डाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप एक्सरसाइज करो चाहे ना करो, लेकिन डाइट अच्छी ज़रूर लो, क्योंकि डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फिजिक को अच्छा करने में। भले ही आप एक्सरसाइज ना करो, कई लोगों को टाइम नहीं होता, नहीं कर पाते, मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन डाइट अच्छी लो। डाइट अच्छी लेने से आपका अंदर का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा और आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। सो डाइट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हेल्थ जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी है। एक अच्छी एक्सरसाइज के बाद डाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है, और डाइट जो है वो अच्छी होनी ही चाहिए। और ये सब डाइट जो है मैं अपनी एक्सरसाइज के बाद लेता ही लेता हूँ। ये सैलेड है जिसमें टमाटोज है, अनार है और थोड़ा सा टोफू है। टोफू जो है आप रिप्लेस कर सकते हो पनीर से, लेकिन टोफू में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसको ऐड करा ही हुआ है। और ये पीनट बटर है जो कि फैट होता है इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा फैट होता है, गुड फैट होता है। बनाना जो है मिल्क है, मिल्क में मैं हॉर्लिक यूज़ करता हूँ क्योंकि हॉर्लिक मुझे पसंद है, तो उसका फ्लेवर मैं जरूर यूज़ करता हूँ। और ये डाइट बहुत ज़रूरी रहती है, जिनके बाद लेनी ही चाहिए, और ये ईजिली घर पर मिल सकती है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे एक लाल बटन है उसको जरूर दबाएं, और कीप वॉचिंग अवर व्लॉग्स।